आप एक्सप्लोरेशन के लिए जियोफिजिक्स यूज़ करते हैं, मतलब चाहे वो आप मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस की कर रहे हैं, क्योंकि हमने मिनरल्स का ये स्टार्ट में चैप्टर्स में ये कहा था कि मिनरल क्या होता है, कि बेसिकली जो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, तो वो चीज़ जो है जिससे आपको प्रॉफिट जनरेट हो सके वो मिनरल है आपके पास, ठीक है। तो उसमें जो एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स यूज होती हैं उसमें इस चैप्टर में हम करेंगे साइज़मिक सर्वे का, ग्रेविटी का, मैग्नेटिक का, इलेक्ट्रिकल सर्वे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे, रेडियो मेट्रिक सर्वे, बोर होल लॉगिंग के बारे में ना, जो मोस्टली यूज होती है एक्सप्लोरेशन में। तो फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जियोफिजिकल जो टेक्निक्स होती हैं वो बेसिकली कर क्या रही होती हैं, जो अर्थ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, ठीक है, ये बेसिकली फिजिक्स की सब ब्रांच आती है, ठीक है, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी अर्थ की, मतलब उसका जो है उसकी डेंसिटी होगी, उसकी जो है मैग्नेटिज्म होगी, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज वगैरह, जितने भी फिजिक्स के लॉ होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जियोलॉजी, ठीक है, जियो मतलब अर्थ, तो वो चीज़ें जो है वो जियो फिजिक्स में वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उन्हें जो है स्टडी किया जाता है और उनके थ्रू जो है वो रिजल्ट जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो आपके पास आती है वो एक जियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोकेमिस्ट्री और जियोफिजिक्स जो है ना, ये टुगेदरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी फील्ड होगी वो अगर सोली आप उसको यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट तो आपको आते हैं, लेकिन वो रिजल्ट जो है वो कंपैरिजन जब तक आप नहीं करेंगे एक फील्ड का दूसरी फील्ड के साथ, तो आपके पास कंप्लीट पिक्चर नहीं आती, ठीक है। अब जैसा साइज़मिक है, साइज़मिक क्या करती है, वो एक साउंड वेव जनरेट करती है और वो जो है आपके पास जैसा अर्थक्वेक्स भी आते हैं वो नीचे आपको लेयर्स बता देगा, ठीक है, कि इस तरह वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स सब सरफेस में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो लेयर किस चीज़ की है ये तो आपको नहीं बताएगा वो, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा कम्पैक्ट मटीरियल होगा उसमें से ज़्यादा फास्टर मूव करती है, जितना लूज मटीरियल होगा उसमें से स्लो पास करती है, ठीक है। वो बेसिकली टाइम ट्रेवल पे डिपेंडेंट होता है, वो सिंपली आपको नीचे रिफ्लेक्टर मार करके दे देगा, ठीक है। रिफ्लेक्टर जो है साइज़मिक की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है हॉरिजन्स को, ठीक है, जहाँ पर से एक लिथोलॉजी से दूसरी लिथोलॉजी में कन्वर्जन हो रही है ना, उसको इवन के एक बेड से दूसरे बेड में भी कन्वर्जन आ रही है, तो उसमें ऑब्वियसली एक गैप है, ठीक है, तो उसको वो सिंपली हॉरिजन मार्क करके देगा आपको कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब उस डिफरेंसेस को आप स्टडी कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फिर जियोलॉजी का डेटा चाहिए होता है, फिर वो जियोलॉजी का डेटा सरफेस में तो नहीं है आपके पास, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको वेल लॉगिंग करनी पड़ती है, ठीक है, आप जो है बोरहोल सर्वेस करते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जियोलॉजी विदाउट जियोफिजिक्स इज नथिंग, एंड इसी तरह सिमिलरली जियोफिजिक्स के साथ अगर जियोलॉजी का डेटा आप नहीं यूज़ करेंगे, आपको एक उसका टेक्टोनिक ट्रैप का नहीं पता लगेगा, उस टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का नहीं पता लगेगा, तो आप एक वाइड स्टोरी नहीं बना सकते, ठीक है। अभी आपको ये नहीं पता एंटीक्लाइन क्या होता है, उसके कौन से पोर्शन में जो है आपने ड्रिल करना है, आपने उसके फ्लैंक्स के ऊपर ड्रिल करना है या फिर उसका वो जो आपके पास जो बल्ज बन रहा होता है ना एक्सेस, ठीक है, उसके ऊपर आपने ड्रिल करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अलावा फिर पेट्रोलियम प्लेस होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम जियोलॉजी में आपको पढ़ाया गया होगा कि यार वो उसमें जो है मेच्योरिटी लेवल्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा उसकी मूवमेंट किस तरह होगी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली, तो ये सारी चीज़ें। फिर जियो केमिस्ट्री जो है, जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा है पूरा तफसील के साथ, कि जो रॉक बॉडी की आप केमिस्ट्री सैंपल्स दे के उनकी आप वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, वो आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ठीक है, वो आपके पास क्वांटिटी होती है, उसमें आप वो ग्रेडिंग वगैरह आपको पता लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कि जियोफिजिक्स स्टडी जो है वो आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, रिलेटिंग टू द एक्चुअल मेजरमेंट बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन रिस्पॉन्स, ठीक है, जो आपकी प्रोपोगेटिंग वेव पास करती है नॉन होमोजीनियस मीडियम में, क्योंकि सब सर्फेस में आपके पास होमोजीनियस मीडियम तो नहीं है, यहाँ से नीचे कोर तक हमारे पास सॉयल कवर ही तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, ये सिंपली शेल तो नहीं पड़ी हुई, ये लाइम स्टोन तो नहीं पड़ा हुआ, डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट उनके जो है वो मीडियम्स बनते हैं, तो वो इनहोमोजीनियस आपके पास बनता है, ठीक है, जैसे नॉन होमोजीनियस भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ों में जिस टाइम वो उसकी वेव क्रॉस करती है तो वो आपको क्वांटिटेटिव डेटा देता है, ठीक है, एक होता है सिंपली क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक होता है क्वांटिटी, ठीक है, कि वो उसके नंबर ऑफ जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोपोगेशन पैरामीटर्स होते हैं उसमें एक तो साइज़मिसिटी होती है,
ठीक है, ये आगे आ जाकर हमारा जो टॉपिक है वो साइज्मिक के बारे में। तो साइज्मिक सिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी होती है, ठीक है, ये हम टोटल ओवरऑल जियोफिजिक्स की बात कर रहे हैं। एक तो आपके पास साइज्मिक सिटी, साइज्मिक सिटी बेसिकली आपके पास जो साउंड वेव जनरेट होती हैं, आया वो अर्थक्वेक के थ्रू हुआ या फिर आपने खुद जनरेट किया आर्टिफिशियल सोर्स के थ्रू। फिर डेंसिटी जो है वो आपको ग्रेविटी में यूज होती है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, कौन सा मटीरियल जो है वो कितना सॉलिड है, उसका वेट कितना है, ठीक है, वो डेंसिटी उसका कहलाती है, ठीक है। उसकी डेंसिटी जो है वो उसके मास पे डिपेंडेंट होती है। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्यों मैग्नेटिक उसका रिस्पॉन्स कैसा है, कि उसमें अगर मेटल्स हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, या वो जो है पॉजिटिवली बूस्टिंग है, वो मैग्नेटिक हैं या पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है, कि उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाए तो वो भी ऐसा एक्ट करें मैग्नेट के तौर पे, ठीक है। तो उसके अलावा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब मैंने आपको कल भी लेक्चर में बताया कि जो करंट और जो मैग्नेटिज्म है आपस में इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, एक फील्ड दूसरी फील्ड को जनरेट कर देती है, ठीक है। एक मैग्नेट है, उसे अगर आप कॉइल में से मूव करेंगे तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सिमिलरली एक स्ट्रेट वायर है, उसमें से आप जिस टाइम करंट मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। जैसे हाई टेंसर वायर होती है ना, जो ग्रिड स्टेशन से निकली होती है, जिसमें आपके पास जो है अच्छा खासा वोल्टेज होता है, तो वो उनके अलॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक। जब ये टॉपिक आएगा तो मैं फिर आपको पर्सनल वो एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा कि ड्यूरिंग पीएचडी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कर रहे थे मैग्नेटोटेलरिक का, तो उसमें जो है हमने साइट्स, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो हमने बाज़ दफ़ा साइट्स जो हैं वो उसके अलॉन्ग भी लिए, सिविलाइजेशन के अलॉन्ग भी, नहीं तो जो है वो कोई ट्रक गुजरता था वहाँ पर से, अगर रोड के अलॉन्ग ही आपने थोड़ा दूर फासले पे लिया है तो, लेकिन फिर भी जो ट्रक गुजरता है उसका सिग्नेचर उसमें, क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव होता है ना, वो तो उसका सिग्नेचर उसमें रिकॉर्ड होता है। उस टाइम तो फील्ड पे मैंने उसको ले लिया, लेटर ऑन जिस टाइम डेटा प्रोसेसिंग करते हुए पता लगा कि अच्छे खासा जो है ना आपका डेटा जो है वो स्क्रैप हो गया, ठीक है, आवर्स का डेटा। तो ये चीजें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का रिस्पांस कैसा है वहाँ पे, फिर रेडियोमेट्रिक रेडियस का, ठीक है, रेडियोमेट्रिक का कल हमने कहा, जैसे आप अगर यूरेनियम थोरियम वगैरह आप स्टडी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे, जैसे आपको न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहिए होता है यूरेनियम वगैरह, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड क्या होंगे सर्वे, वो आपको रिक्वायर्ड होंगे रेडियोमेट्रिक सर्वेस, ठीक है, उनका हाफ लाइफ जो आइसोटोप्स होते हैं उनको स्टडी करके किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोपगेटिंग वेव्स होती हैं ये सारी किस्म की, ये आपके पास क्या बताते हैं, रॉक की टाइप्स को बताते हैं, ठीक है, आया वो डेंसर है या फिर वो जो है वो कंसोलिडेटेड है, अनकंसोलिडेटेड है, ठीक, उसके अंदर प्रेजेंट ऑफ फ्लूइड के बारे में आपको बता सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, ये आपके पास जो माइनर फॉल्ट्स तक आपके पास रेजोल्यूशन आती है इसमें साइज्मिक में, इवन कि मैंने आपको कहा बेड से लेमिना तक की है आपके पास जो है ना इसमें रेजोल्यूशन आती है। स्ट्रेटिग्राफिक इंफॉर्मेशन, वही केस में जो है आप जैसे हम ड्रिल होल्स वगैरह करते हैं तो उससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा रिफ्लेक्टर जो है वो कौन सी फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है ना। फिर उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ मिनरलाइजेशन, वही ऑब्वियसली जब मैं जैसे मैग्नेटिक का यूज़ किया तो वहाँ पर क्रोमाइट का जितना पोर्शन था जहाँ पे वो सब सरफेस में था उसके गिर्द उसने जो है एक मार्क करके दे दिया कि यार ये वाला पोर्शन जो है ये आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टेबल है, ठीक है। उसके अलावा वाटर के बारे में भी इलेक्ट्रिकल सर्वेज भी यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वाटर एक्वीफर के बारे में, ऑयल एंड गैसेस के बारे में। तो ये जो ग्राफिकल बाद में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि वो तो आपके पास वेव फॉर्म में आता है, वेव फॉर्म को आप, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वेव फॉर्म को ही आप डेटा स्टोर करेंगे तो वो आपके पास डेटा की वेटेज बहुत बढ़ जाती है, तो उसको वहाँ पे कन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, उस वेव फॉर्म के मुताबिक उसको ये कट पेस्ट करते हैं कि यार ये फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं 200 का जो अगर आपके पास वेव होगी तो उसे वो जो है यहाँ पे उसे 1, 2, 3 के साथ उसे डोनेट कर देते हैं, ठीक है, आपके पास डिजिटल डेटा में 0, 1 जैसा कि बाइनरी फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं, तो उसको लेटर ऑन इसी ग्राफ के ऊपर जैसा ही आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास वो एनालॉग फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो वो डेटा को डिकोड करने के लिए आपके पास फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो सब सरफेस में आपके पास जो डेटा मिल रहा है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है टाइम डोमेन में, या आपके पास जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड के उसमें, तो ये आपका बेसिकली सिग्नल होता है, ठीक है। तो जो जियोलॉजी की तरफ से आपको जो रिस्पांस मिल रहा होता है वो उसका सिग्नल होता है, ठीक है। तो उसको जो इंफॉर्मेटिव चीज़ होती है उसको सिग्नल कहा जाता है। और जो अगर नॉन जियोलॉजिकल फीचर्स की वजह से आपके पास आ रहा है, मतलब ट्रीप पे कोई मेटेलिक बॉडी आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्योंकि आप जैसे मैग्नेटिक सर्वे कर रहे थे साथ में आपकी गाड़ी भी वहीं पे खड़ी है, ठीक, या फिर आपने मेटल की चीज़ें आपने पास रखी हुई हैं, तो उसकी वजह से वो एक आर्टिफिशियल रिस्पांस देगा, या पाइपलाइन कोई पास से गुजर रही है, या इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, या रेलवे लाइंस हैं, ठीक है, तो या फिर ट्रैफिक की वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं साइज में क्यूज में केसेस में, जैसे हमने वो पैसिव भी मार्क किए हैं वहाँ पे, तो पैसिव में भी ये आपके पास जो होते हैं हाईली सेंसिटिव होते हैं ना, हल्की सी भी वाइब्रेशन जो है, इवन के हम जिस टाइम वो साइजमिक की इंस्टॉलेशन कर रहे थे उसकी अर्थक्वेक रिकॉर्डर्स की ब्रॉडबैंड, तो वो इवन के हम जो बातें कर रहे होते हैं ना, तो बातों की भी रिकॉर्डिंग उसमें आती है, पास से कोई गुजर रहा है तो बातों की, क्योंकि वो साउंड वेव्स हैं वो उसे ट्रिगर करती है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास नॉइस में आती हैं, तो उसको आपको स्टार्ट में कट ऑफ देना पड़ता है कि यार इतना जो है वो जनरल बैकग्राउंड नॉइस है यहाँ पे, आप बातें कर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं पास से, अगर कोई ट्रैफिक गुजर रही है तो उसके ऊपर जितना इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो उसको आपको सेंटर करना पड़ता है उस इक्विपमेंट को, ठीक है, ताकि जो बैकग्राउंड वैल्यूज हैं उसे वो कट ऑफ करके उससे अलावा कोई चीज़ आती है ना, तो उसको वो स्टडी करेगा, ठीक है, उसे रिकॉर्ड करेगा। इट डजंट मीन कि आपने उसे सेंटर कर दिया है तो वो उतनी वाइब्रेशन के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, एक्ट करेगा स्टिल, उसके अंदर जो मैकेनिकल फीचर लगे हुए हैं, जो आपके पास कॉयल है और उसके पास जो है वो मैग्नेट लगा हुआ है, वो रोटेट मूव करेंगे लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करेगा डेटा, ठीक है। तो सिग्नल जो होता है आपके पास बेसिकली वेव फॉर्म में होता है, जिसमें आपके पास एक मैसेज होता है जियोलॉजिकल फीचर्स का, जो आप अंडर सरफेस जो है आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नॉइस क्या होता है, वो अनवांटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको नॉइस कहा जाता है, ठीक है। अभी राइट नाउ जिस तरह हम जो है इस लेक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इतने में कोई जो है माइक ऑन कर देता है तो बैकग्राउंड में घर वालों की आवाज़ें आ रही है, तो वो हमारे लिए नॉइस है, वो उनके लिए इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, चाहे जिस बारे में भी कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए वो सिग्नल है, लेकिन हमारे लिए नॉइस है, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, हमें नहीं सुनना, हमें सुनना है इसके बारे में, फील्ड के बारे में जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एनोमली क्या होती है, एनोमली का हमने पहले भी जिक्र करते रहे, जो बैकग्राउंड जो आपके पास वैल्यूज आ रही है, ठीक है, आप चाहे जियोकेमिस्ट्री में करें या मैग्नेटिक में करें या फिर उसमें जितना भी आप जो ये उसे बेस कट दे देते हैं कि यार ये एक बेस कट है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी उसकी एग्जांपल दी सेज्मोग्राम्स की, जिस टाइम हम यूज कर रहे हैं, तो वो उस बैकग्राउंड नॉइस जो है, जो आपके पास विंड नॉइस का आ रहा है, या फिर पास से गाड़ियां गुजर रही हैं, या लोगों का गुजरना है वहां से, तो उस चीज को कट ऑफ करने के बाद जो एक्स्ट्रा आपके पास इंफॉर्मेशन आती है ना बैकग्राउंड से हाई, वो एनोमली होती है, ठीक है। तो बेसिकली साइज्मिक में या फिर आप मैग्नेटिक वगैरह में या ग्रेविटेशनल में जो चीजें यूज होती हैं, जो आपके पास एनालॉग फंक्शन होता है, या तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है या डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो वो जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है ना, उसे आप डिजिटल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वही मैंने आपको कहा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है, जिसे GT कहा जाता है। ये आपके पास एक उसने एग्जांपल दी हुई है, आपके पास एनालॉग ये एक फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि टाइम ट्रैवल के ऊपर बात हो रही होती है ना, आप जो साउंड वेव जनरेट करते हैं वो नीचे जाती है, नीचे से वहाँ से वो बाज रिफ्लेक्ट होती हैं, बाज रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो कितने टाइम में वो वापस आई है, कौन से रिसीवर पे, तो इस चीज़ को वो नोट डाउन किया जाता है। तो आपके पास सिंपली वो टाइम आ रहा होता है, उससे आप वेलोसिटी भी आपको पता होता है, ठीक है, तो उससे सिंपली एक फार्मूला यूज करते हुए S=VT, उसके थ्रू जो है आप टाइम ट्रेवल फाइंड कर देते हैं कि डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से वो आ रही है, ठीक है, आपको टाइम पता लग गया, आपको वेलोसिटी पता लग गई, तो आप उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि कितने डेप्थ पर से वो सिग्नल आपके पास आ रहा है, ठीक है, S=VT वाला सिंपल जो है फार्मूला यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जियो फिजिकल सर्वे दो टाइप के होते हैं आपके पास, एयरबॉर्न भी होते हैं और अंडरग्राउंड भी होते हैं आपके पास, ठीक है। एयरबॉर्न में जो है वो ऑब्वियसली आपके पास साइज़मिक नहीं लगेगा,
एयरबॉर्न में आपके पास ग्रेविटी हो सकता है, आपके पास मल्टीपल सेंसर्स में मैग्नेटिक का हो सकता है, इलेक्ट्रिक का हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक में भी वो जो आपके पास आता है ना एक सेल्फ पोटेंशियल होता है, एक इंड्यूस पोटेंशियल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, रेडियोमेटिक एंटीना यूज़ कर सकते हैं, लो फ्लाइट्स के साथ जो है ना आप उन्हें मूव करते हुए आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं, ठीक। तो इन सारे डेटा को आप लेटर ऑन जो है कंप्यूटर में सेव करते हैं और उन्हें जो है आप फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह करके तो आप उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक। तो रिकॉग्निसिस बेसिस के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको, अगर लार्ज एरिया में आप रिकॉग्निसिस कर रहे हैं, आप जनरली एक ट्रेंड देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पे एनोमली का क्या चक्कर बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप एयरबॉर्न करते हैं। एयरबॉर्न डिटेल सर्वेइंग के लिए नहीं होता, डिटेल सर्वेइंग के लिए आप ग्राउंड सर्वे करेंगे, आप ग्राउंड पे उतरेंगे, वहाँ पर आप ग्रिड वगैरह बनाएंगे, ठीक है, उसके अलावा आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो है ये इसमें इंटेलिजेंस मैपिंग नहीं यूज की जाती, ठीक है। अगर रिकॉग्निसिस कर रहे हैं तो फिर तो इंटेलिजेंस मैपिंग आप यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जियोलॉजी और इसमें फर्क है। सब सरफेस में हम फीचर देख रहे हैं, क्या पता जहाँ पे जियोलॉजी ऊपर सरफेस पे आपको प्लेनर शो हो रही है, ठीक है, मे बी सब सरफेस में वहाँ पे कोई डाइक वगैरह हो, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो इसलिए इसको जिस टाइम किया जाता है तो या तो प्रोफाइल्स के अलॉन्ग किया जाता है या फिर आप ग्रेड के अलॉन्ग करते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास जितना डेटा ज्यादा होता जाएगा उतना कंट्रोल आपके पास ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम आप डिटेल सर्वे कर रहे होंगे तो फिर आप ग्राउंड सर्वे यूज करते हैं, उसमें आप प्रॉबेबल शेप और साइज ऑफ द एनोमलीज को आपको पता लग जाता है, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम लेटर ऑन आप ग्रेविटी या मैग्नेटिक का आप जिस टाइम डेटा इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो उसमें जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स के आपके पास जो बॉडीज होती हैं नीचे, अगर वो आपके पास सिलेंड्रिकल बॉडी है या स्फेरिकल बॉडी है, उसके कर्व डिफरेंट बनते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सक्सेसफुलनेस होती है जो फिजिक्स की, वो डिपेंड कर रही होती है एक तो आपकी ट्रेनिंग कितनी है उस इक्विपमेंट को यूज़ करने में, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको अगर कोई फील्ड में कोई मुश्किल आती है तो आप उसे कैलिब्रेट कैसे करेंगे। सेकेंडली उस इक्विपमेंट की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितनी है, अगर आप GPR यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्यू मीटर्स तक आपको बताता है, ठीक है, मैग्नेटिक और ग्रेविटी का यूज़ करते हैं तो ग्रेविटी आपको कोर तक का डेटा बताता है, ठीक है, रिजल्ट उसका बताता है। फिर उसके अलावा जो है मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन स्किल्स के लेटर ऑन जिस टाइम आप उसकी डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वो आपके पास उतनी है, उसके एक्सपीरियंसेस वगैरह, और फाइनली आप एक्सपीरियंस जियोलॉजिस्ट वगैरह को साथ में यूज़ करते हैं कि वो आपको बताए कि यार यहाँ पे सब सरफेस में फ्लाम फॉर्मेशन है तो वो क्यों, कौन सी एज की है और उसमें क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं और कौन से जो स्ट्रक्चर ट्रैप्स हैं या आपके पास होस्ट रॉक जो है वो कौन सी और बॉडी जो है वो उसको बियर कर रही है, ठीक है। तो जनरल यहाँ ऊपर ये एक इन्होंने टेबल बनाया हुआ है, इसमें जनरली सारी उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। साइक्लिक मेथड वो मेजर पैरामीटर उसके क्या होते हैं, ट्रेवल टाइम of reflected and refracted seismic wave. आगे जिस टाइम हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका फर्क हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव ये है कि वो जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और रिफ्रैक्टेड किसी एंगल पे आपके पास जो है डेविएट करके स्टिल पेनिट्रेट करती है, ठीक है। तो इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, एक तो वो डेंसिटी को मेजर कर रहा होता है और इलास्टिक मोड्स को कर रहा होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है कि वो बेसिकली आप किसी चीज़ को मूव करें तो वो जिस टाइम उसके ऊपर आप स्ट्रेस वगैरह रिमूव कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन जो है उसको रिटेन कर ले, तो उसको इलास्टिक लिमिट्स कहा जाता है। इलास्टिक लिमिट ये होता है कि आप स्ट्रेस रिमूव भी कर देते हैं तब भी वो वैसे का वैसे ही रहे, जैसे एक कोई पेन है प्लास्टिक का आपके पास, उसे आप हल्का सा बेंड करेंगे छोड़ेंगे तो वो अपनी कंडीशन में आ जाता है, तो वो जो स्ट्रेस आपने यूज किया वो इलास्टिक स्ट्रेस है, ठीक है। अगर आपने उसे काफी देर बेंड करके रखा तो वो आप उसे जिस टाइम छोड़ भी देंगे तो वो टेढ़ा हुआ हुआ होगा, उसकी प्लास्टिक लिमिट्स आ जाती हैं, ठीक है, कि वो अपनी ओरिजिनल जो कंडीशन है ना उनको रिटेन नहीं कर सकता, ठीक है। फिर थर्ड में आ जाता है, फिर आपके पास ब्रेकेज हो जाती है उसकी, ठीक है, जिस टाइम एक्सीड करती है प्लास्टिक लिमिट को। इसके अलावा ये वेलोसिटी को और एकॉस्टिक जो इसकी वो मतलब है ना एट्रीब्यूट्स वगैरह जो रॉक मैकेनिक्स की हैं उनको स्टडी करता है। आप लोग मेरे साथ ही हैं या सो गए हैं? नहीं सर, सर आपके साथ।
ठीक है, तो साइज़िक सर्वे आप कौन से वाले एक्सप्लोरेशन में यूज करेंगे? कोल के लिए भी है, ऑयल एंड गैस के लिए भी है, ग्राउंड वाटर के लिए भी है, लेयर्ड सेडिमेंट्री बेसन्स हो, उसके अलावा निकल, कॉपर और आपके पास प्लैटियम ग्रुप एलिमेंट्स जो है, ठीक है, इनको आप स्टडी करके रहे हो, या वॉल्केनिक बेसल फ्लोज आप देख रहे हो, तो उसके लिए आपके पास साइज़मिक जो है इन एनी केस मोस्ट सूटेबल है, लेकिन ऑब्वियसली ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, जैसे डायमंड ड्रिलिंग की तरह, ठीक है। तो ग्रेविटी ये और मैग्नेटिक ये आपके पास जो है ना रिकॉग्निशन सर्विस में आ जाते हैं। तो ग्रेविटी बेसिकली क्या देख रहा होता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहा होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? वो डिपेंड कर रही होती है उसकी डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो वो जो डेंसिटी कंस्ट्रक्ट देख रहा होता है होस्ट रॉक में और मिनरलाइजेशन में, उस चीज को ये स्टडी कर रहा होता है, ठीक है। नीचे अगर कोई डेंसर मटेरियल जो है वो लाइटर होस्ट रॉक में है, तो वो आपके पास वो सिग्नेचर दे देगा नीचे के, यार यहाँ पे नीचे फ्लॉ डेप्थ पे कोई आपके पास एनोमली आ रही है, ठीक। तो ये अगर मैसिव सल्फाइड्स हों, क्रोमाइट के लिए भी है, क्योंकि क्रोमाइट जो है वो डेंसर होता है होस्ट रॉक के रिलेटिवली, ठीक है। तो उसके अलावा निकल, कॉपर, प्लेटियम वगैरह, कंबल लाइट पाइप्स में, ठीक है, जिसमें डायमंड होता है आपके पास, ठीक है, बेराइट वगैरह के लिए और कंसील्ड बेसन्स के लिए ये यूज किया जाता है। फिर मैग्नेटिक है, वो बेसिकली आपके जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी स्टडी हो रही होती है कि उसमें जो वेरिएशन आ रही है, ठीक है। एक तो जनरल में उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अलावा वो अगर वहाँ पे कोई बूस्टर पड़ा हुआ है, बूस्टर से मुराद ये है कि उसकी एनोमली को एक्सीड कर रहा है, कि कोई वहाँ पे मेटेलिक बॉडी पड़ी हुई है, तो वो ऑब्वियसली वो एक्ट करेगा ऐसा सेपरेट मैग्नेट के तौर पे, और वो वहाँ पे आपकी एनोमली को बूस्ट अप कर देगा, ठीक। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए होता है। तो मोस्टली जो है जितने भी फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मैग्नेटाइट, एल्यूमिनाइट आ गया आपके पास, निकल, कॉपर और ये पीजीई के लिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्वे, अब उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है, उसमें टोमोग्राफी वगैरह यूज होती है, वो आपको एक तरह का बड़ा प्यारा इमेज देता है, जिस तरह आपके पास उसका आता है साइज़मिक का। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, इसमें एक तो रेजिस्टिविटी है, तो अर्थ की रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है, कि करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, कि वो करंट के फ्लो में कितनी इंक्रीजमेंट आ रही है, ठीक। तो ये ग्राउंड वाटर के लिए, सल्फाइड्स के लिए, निकल, कॉपर और जितने मेटल्स हैं जिसमें जो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जो करंट होता है वो ट्रेवल करता है, करंट बेसिकली आपको क्या कहते हैं उसको, मोमेंट ऑफ द फ्री चार्जेस को कहा जाता है करंट, ठीक है। जितने भी किसी, जैसे आप कॉपर है, कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं ना, उनकी मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली वायर नहीं मूव कर रही होती, वायर के ऊपर जैसे एक आपके पास वो चेन सा होती है ना, ठीक है, वो जो अक्सर अब लकड़हारों के पास भी है, वो जैसे दरख्त काट रहे होते हैं तो वो अब एक्सेस से नहीं काटते, वो उनके पास एक मोटर वाली चेन सा होती है, ठीक है, ऊपर चेन लगी होती है, तो उस तरह ये मूव करता है, ठीक है, केबल में से करंट। तो वो ग्राउंड वाटर सल्फाइड्स वगैरह के लिए इंड्यूस पोटेंशियल होता है, एक उसमें ये होता है कि एक आप करंट इंड्यूस करते हैं उसमें, और फिर आप करंट शट डाउन कर देते हैं। तो नीचे जितनी मेटल बॉडीज होती हैं या फिर कोई चार्ज बॉडीज होती है ना, जो इलेक्ट्रिक बॉडीज, उसके गिर चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो आपको रिस्पांस बैक करते हैं, ठीक है। तो उन्हें उसको कहा जाता है इंड्यूस पोलराइजेशन या इंड्यूस पोटेंशियल आपके पास, ठीक है। तो ये भी लार्ज सल्फाइड्स वगैरह के लिए। फिर सेल्फ पोटेंशियल ये है कि सिंपली उसमें आप करंट इंड्यूस नहीं करते, जो ऑलरेडी नीचे आपके पास चार्ज बॉडीज है ना, उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का कम्बिनेशन में आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये स्टडी करता है। तो ये भी सल्फाइड वगैरह के लिए, ग्रेफाइट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा एलिमेंट आप स्टडी कर रहे हैं और उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा रेडियोमेट्रिक, अगर आप थोरियम, यूरेनियम, रेडियम वगैरह को आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपके पास अबव जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे रेडियोमेट्रिक सर्विस, ठीक है। फिर बोर होल, तो ऑब्वियसली जियोफिजिक्स जो है उसमें आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, बोर होल जियोलॉजी में डिफरेंट लॉग होते हैं, सोनिक लॉग होते हैं, गैमा लॉग्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास जो है
कंटिन्यूटी ऑफ सल्फाइड्स, निकल, कॉपर, प्लेडियम वगैरह जो है आपके पास है, इसके बारे में बताता है। ठीक, तो ये एक जर्नल हो गया सारों के बारे में कि कौन सी जो टेक्निक है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करिए, कौन सा जो है वो उसकी बेसिक उसकी स्टडी इंफॉर्मेशन क्या है, और वो कौन कौन से मिनरल्स के लिए वो अप्लायबल है। तो फर्स्ट में आपके पास आ जाता है साइजमिक सर्वे। तो साइजमिक सर्वे बेसिकली मैंने आपको कहा साइजमिक वेव्स जो होती हैं वो साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है, जैसे हाँ मैं बोल रहा हूँ इससे जो है ये माइक में इतहाश पैदा होता है। इवन कि आप अगर कान का ही आपने मैट्रिक वगैरह में बायो में पढ़ा होगा कि कान का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो है वो होता क्या है कि एक फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके साथ जैसे हम साउंड वेव इंटरेक्ट होती हैं तो वो उस फ्लूइड में जो है उसमें वाइब्रेशन आती है, उस वाइब्रेशन की वजह से वो आपका जो है दिमाग में सिग्नल जाते हैं, तो उसको डिकोड करके तो वो उसे साउंड को वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक वेव को वो वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो इसमें दो टाइप होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। ठीक है, पैसिव जो होता है उसे अर्थक्वेक साइज्मोलॉजी कहा जाता है मोस्टली। ठीक है, तो ये जो नेचुरल शॉक्स वगैरह आते हैं ना अर्थक्वेक्स के अलॉन्ग, ठीक, होता क्या है अर्थक्वेक के अलॉन्ग जो है वो डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज हैं, तो उसके अलॉन्ग जो है वो फंस जाते हैं वो क्या नाम है आपकी फुट वॉल और हैंगिंग वॉल में। ठीक है, क्योंकि नेचुरल स्मूथ तो है नहीं है, तो इरेगुलरिटीज की वजह से वो वहाँ पे होल्ड अप हुई होती है। ठीक, तो वो उस ग्रूव्स के अलॉन्ग, तो जिस टाइम उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और उससे वो एक्सीड कर जाता है, तो फिर सडन रिलीज ऑफ एनर्जी को कहा जाता है अर्थक्वेक। ठीक है, तो वो साउंड वेव जनरेट होती है, जैसे आपने वो देखा हो कि कहीं पे अलग माफ करे अर्थक्वेक वो हुआ हो, क्या नाम है, ब्लास्ट हुआ हो, तो उसके शेल्स वहां पे पहुंचे ना पहुंचे वहां की जो करीब की बिल्डिंग्स होती हैं उसके शीशे टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो उसका जो धमाके की साउंड वेव होती है ना, उस साउंड वेव की वजह से वो शीशे वगैरह टूट जाते हैं। ठीक, तो ये पैसिव होता है, पैसिव ब्लास्ट का नहीं कह रहा मैं, अर्थक्वेक का कह रहा हूँ। ठीक है, तो जब अर्थक्वेक होगा, अब जैसे हम उसमें साइज़ोमीटर जिस टाइम लगाते हैं तो वो पैसिव उसके ऊपर है, जब वो अर्थक्वेक आएगा तो वो उसमें वाइब्रेशन होगी, उसके जो सेंसर्स हैं वो मूव करेंगे और वो रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, तो वो आपको सब सरफेस इंफॉर्मेशन देता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर का आपको अर्थ का शो करता है, लेकिन वो उसमें आपको सोर्स को जनरेट नहीं करता पड़ता। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है सारा, सही हो गया। फिर सेकेंडली जो एक्सप्लोरेशन साइज़मोलॉजी है उसमें यही जो वेव्स होती हैं इसको आप खुद जनरेट करते हैं, आया आप आर्टिफिशियल ब्लास्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, आप कोई चार्ज वगैरह जो है वो डेटोनेट करते हैं। ठीक है, या फिर नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं। अब एक्सप्लोसिव जो है उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो डेंजरस भी है, अगर एक्सप्लोशन आपने ज़्यादा कर दिया तो वो उसमें जो है वो चांसेस है कि ह्यूमन बॉडी भी इफेक्ट हो सकती है। ठीक, उसके अलावा एक्सप्लोसिव्स की वजह से आपको जो है वो एयरबॉर्न में भी काफी हो, क्योंकि वो धूल वगैरह उठती है, जो ग्राउंड वाटर है वो उसकी कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, जो शैलो पोर्शन है वहाँ पे एक्सप्लोजन होगा तो एक्सप्लोजन की वजह से उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो सबसाइडिंग के खतरे होते हैं। तो इनकेस वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो इसलिए उसको जो है ऑलमोस्ट अवॉइड किया जाता है। तो उसके बजाय नॉन एक्सप्लोसिव में आपके पास वाइब्रोसाइज आ जाते हैं। ठीक है, या कंप्रेस्ड एयर के आप वहाँ पे वो गन शॉट करते हैं। ठीक है, एयर के शॉट होते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैरीन में आप कर रहे हैं तो वहाँ मैरीन में या तो वो कंप्रेस्ड एयर के शॉक्स जनरेट किए जाते हैं। ठीक, तो या फिर वो वहाँ पे वेसल के बैक साइड पे लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा क्रिएट किया जाता है कि करंट जंप करता है, तो जंप करने की वजह से वो एक साउंड वेव जैसा नहीं होता, ये बादल गरजते हैं तो थंडर आती है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो आपको जो आवाज़ आती है, आपको पहले फ्लैश दिखाई देती है क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा, लेटर ऑन जो है आपको साउंड की आवाज़ आती है उसके गरजने की। ठीक, ये वाला मैकेनिज्म उसमें यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली आपको जितने इन होमोजीनियस या होमोजीनियस मटेरियल है उसमें से वो क्रॉस आउट करती है, तो वो आपको डिसकंटिन्यूटीज के बारे में बताता है कि नीचे जो है वो सब सरफेस में कंटिन्यूटीज और डिसकंटिन्यूटीज, ये कि जब वो एक उसमें से फॉर्मेशन में से दूसरी फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है या एक बेड में से दूसरे बेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो जितने पोर्शन में वो उसको चेंजेस आती हैं वहां पर से वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। ठीक है,
तो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव मोस्टली जितना कम्पैक्ट होगा ना मटेरियल उसमें से वो ज़्यादा ट्रेवल करती हैं, ठीक है। जितना लूज मटेरियल होगा उसमें एयर पॉकेट्स होते हैं, उसके अंदर वो उसकी डिस्पर्शन हो जाती है, ठीक। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेस होता है बेसिकली जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और स्ट्रेन जो है उस फोर्स के इफेक्ट में जो आपके पास डिस्टॉर्शन आ रही है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये जो साइज्मिक वेव मूव करती है किसी बॉडी में से, किसी मीडियम में से मूव करती है, तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आती है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी रॉक के, ठीक है, और उसके अलावा जो है उसकी जो है प्रोपोगेशन की वजह से ना उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। डायलेटेशन होता है, वो अपना शेप रिटेन रखती है लेकिन वो इंक्रीज कर जाती है, स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक लिमिट में की जाती है, ठीक है। परमानेंट जो है वहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं की जाती, ठीक है। उसकी वेव्स की जो जनरेशन होती है वो इस कैपेसिटी में रखी जाती है कि वहाँ पे परमानेंट जो है डिफॉर्मेशन ना हो जो मटेरियल है उसकी, ठीक है, ताकि जिस टाइम वो वेव क्रॉस होकर चली जाए, क्योंकि हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, हमारा मकसद नीचे डैमेज करना थोड़ी है। तो वेव क्रॉस होकर चला जाए तो वो अपनी ओरिजिनल जो पोजिशन है, जो ओरिजिनल शेप है, उसको रिटेन कर सके। तो इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं किसी भी बॉडी के अंदर, जैसे हम एक काइंड ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है किसी भी आप जो ओरिजिनल कंडीशन है उसमें से वो चीज़ मूव नहीं करना चाहती, उस मूव करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई जिस तरह गाड़ी है या कोई मेज है वो कहीं पर स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसका वो एक इनर्शिया होता है, ठीक है, उसे आपको मूव करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरह एक बॉडी है उसमें जिस टाइम आप डिस्टॉर्शन पैदा कर रहे हैं तो उस डिस्टॉर्शन के रिस्पांस में एक फोर्स होती है जो उस डिस्टॉर्शन को खत्म करना चाह रही होती है, उसको कहा जाता है आप स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो बैलेंसिंग फोर्स जो होती है किसी भी एरिया में, तो जो स्ट्रेस होता है वो आपका बेसिकली इंटरनल या फिर रिस्टोरिंग फोर्स होती है पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रेस का फार्मूला है वो क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके यूनिट जो है वो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर वो कोई बॉडी है उसके ऊपर आप जो स्ट्रेस यूज कर रहे हैं तो वो अगर वो परपेंडिकुलर है टू इट, ठीक है, ये क्यूब है, इसके ऊपर अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यूज किया जाए फोर्स तो उसको कहा जाता है नॉर्मल, ठीक है। अगर किसी भी एंगल पे हो तो उसे आप शियर फोर्स कहेंगे या फिर आप उसे टेंसाइल या कंप्रेसिव कहेंगे, ठीक है। किसी बॉडी के अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसे आप नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अगर किसी एंगल पे है तो उसे टेंसाइल वगैरह आप कहेंगे, ठीक है, या टेंजेंशियल फोर्सेज आप उसको कहा जाता है, ठीक। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बेसिकली जो उसकी डिफॉर्मेशन आती है, ठीक है, उस फोर्स के रिस्पांस में उसको स्ट्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, कि उसमें कितना चेंजेस आई है। अगर उसमें से वेव क्रॉस की है तो अगर उसमें जो है शियर डिस्टॉर्शन आई है जो उसकी शेप में, तो वो कितने उसका परसेंटेज आई है, ठीक है। तो जो स्ट्रेन है ये मोस्टली जो है वो सिंपली उसके वॉल्यूम में अगर चेंज ना करे और सिंपली शेप में उसकी चेंजेस लाए तो उसको कहा जाता है शियर या फिर डिस्टॉर्शन स्ट्रेन कहा जाता है, जबकि अगर सिर्फ उसकी चेंज वॉल्यूम में आए और शेप में ना आए तो उसे डायलेटेशन कहा जाता है, ठीक है, या कॉन्ट्रेक्शन कहा जाता है। इस चीज की समझ आई कि अगर वो पहले राउंडेड फॉर्म में था, वो कन्वर्ट होके आपके पास अगर क्यूबिकल फॉर्म में चला गया, उसकी शेप में चेंजेस आ गई लेकिन वॉल्यूम उतना ही है, तो इसको आप क्या कहेंगे, शियर या डिस्टॉर्शन स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। यस सर। और अगर उसका वॉल्यूम पहले इतना था, उसके बाद जो है वो कन्वर्ट होके आपके पास वॉल्यूम इतना कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपके पास, डायलेटेशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें यही है कि सिंपली वो स्वेल अप होके तो वापस अपनी कंडीशन में आया या नहीं आया।
इलास्टिक मॉड्यूली जिसको कहा जाता है, इलास्टिक मॉड्यूली बेसिकली रॉक को उसके रॉक मैकेनिक्स होती है उसकी, ठीक है। ये बेसिकली उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी उसकी क्लास्टिक की, ठीक है। क्लास मैंने आपको कहा सेडिमेंट, कोई भी जो सॉलिड बॉडी है उसकी जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं रॉक प्रॉपर्टीज, उसके रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो इस इलास्टिक मॉड्यूली में वो स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये रॉक मैकेनिक्स का एक टाइप होती है, ठीक है। उसमें सिंपली आप देखते हैं कि जी एक होमोजीनियस में से जिस टाइम वो मूव कर रही है तो वो उस पर इफेक्ट कैसे डालती है, तो उसमें आपके पास यंग मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है, रिजिडिटी आपके पास या शीयर मॉडुलस होता है या पॉइसन रेशियो होता है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, वो रेशियो होता है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के दरमियान की रेशियो होती है, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, आपके पास एक रेशियो है यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेस का और फंक्शनल फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का, ठीक है। ये बेसिकली जो उस रॉक बॉडी जिसमें से वो गुजर रहा है ना, आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं या तो आप रिजर्वायर पे कर देते हैं या फिर आप सोर्स रॉक के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस टाइम पेट्रोलियम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम जो एक्सेसिव वो होती हैं लिथोलॉजीज जिसमें पेट्रोलियम है ही नहीं है, तो उनको हम स्टडी नहीं करते, उनके ऊपर फोकस नहीं करते। तो जिस टाइम आप किसी साइज़मिक सेक्शन को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो हम सिंपली उन्हीं पोर्शन को फोकस करते हैं कि जिन पोर्शन में आपके पास जियोलॉजिकली ये चांसेस है कि उसमें जो है ऑयल जनरेशन हो रही होगी या उसमें एक्युमुलेशन हो रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं ये उसकी शेप वगैरह और उसकी साइज और रिलेशनशिप के लिए होता है, ठीक है। तो रिजिडिटी क्या होती है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के आप जो मेजर करते हैं ना उसको आप रिजिडिटी स्ट्रेस में मेजर करते हैं, फिर पॉइसन रेशियोज होती हैं उसमें ज्योमेट्रिकल चेंजेस इन द शेप ऑफ द प्लास्टिक बॉडी। तो इन सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं इसके थ्रू आपको जो रिजर्वायर है ना जो सोर्स रॉक है उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पता लग जाता है, उसकी प्रोसिटी परमेबिलिटी वगैरह और उसकी सारी चीज़ें जो है उसमें स्ट्रेसेस के अलावा वो कैसे मूव करता है, ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है। तो साइज़मिक वेव्स क्या होती हैं, दो टाइप की वेव्स होती हैं आपके पास, ओरिजिनली ये साउंड वेव ही होती हैं, इसमें आगे दो टाइप्स आती हैं, ठीक है। एक बॉडी वेव होती है और एक सरफेस वेव होती है, ठीक है। बॉडी वेव वो होती हैं जो अलॉन्ग द बॉडी या विद इन द बॉडी जो मूव करती हैं, ठीक है, उनको बॉडी वेव्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें दो टाइप आती हैं, एक पीट वेव आती है और एक एस वेव आती है, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है कि इनकी मूवमेंट का फर्क है, ठीक है। तो जो बॉडी वेव्स होती हैं वो इंटरनल वॉल्यूम में से किसी भी जो मटेरियल है उसके अंदर से वो मूव करेगी, ठीक है। तो इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह किसी को आप गोली मारे हैं तो वो उसके अंदर से क्रॉस करके जाती है, तो ये बॉडी वेव होगी, ठीक है। अगर किसी को चपेट मारे तो उसके फेस पर से वो आपकी बॉडी के एक्सटीरियर पर से गुजर रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो आपके पास सरफेस वेव वगैरह बन जाती है, ठीक है। तो इसमें दो है कि आपके पास कंप्रेशनल वेव्स है और एक शीयर वेव्स है, ठीक है। कंप्रेशनल वेव जिसको साइज्मोलॉजी में आप पी वेव्स जिसको कहा जाता है, इनका आपके पास मोस्ट फास्टेस्ट होती हैं और इनका आपके पास अर्ली अराइवल होता है, ठीक है। इसके अर्ली अराइवल जो है वो डिपेंड कर रहा है जिस मीडियम में से वो गुजर रहा है वो कितना कम्पैक्ट है, ठीक है। उसके कम्पैक्शन ये कि इसके एक ग्रेन दूसरे ग्रेन के साथ वो कितना वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जिस तरह ट्रेन की आवाज़ आपको वैसे नहीं आएगी, लेकिन आप पटरी के साथ अगर आप कान लगा के सुने तो वो क्योंकि एक सॉलिड मीडियम है, लोहा है, ठीक है, तो वो आपको ट्रेन के आने से बहुत पहले की है उसकी वाइब्रेशन आपको बता के उसकी ट्रेन का साउंड बता देता है। तो वही कि साउंड वेव है ये बेसिकली, तो ये ट्रेवल इसका जो मीडियम है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना कम्पैक्ट है या कितना डेंसर है। तो ये जो प्रोपोगेशन हो रही होती है ये कंप्रेशनल होती है, ठीक है, और डायलेटेशनल होती है, मतलब ये चेंज इन उसके वॉल्यूम में लाता है चेंज, ठीक है, उसे स्वेल अप कर देता है। तो ये जो वेव्स होती हैं ये मूव कर सकती हैं सॉलिड में से भी, लिक्विड में से भी और गैस में से भी आप जो है इसकी मूव कर सकती हैं, जबकि जो शीयर वेव्स हैं वो लिक्विड में से मूव नहीं कर सकती, वो सिंपली सॉलिड में से मूव करती हैं। तो ये बॉडी वेव्स जो होती हैं ये आपके पास कंप्रेशन इन द रॉक जनरेट करती है जिस टाइम उसकी एनर्जी उनके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। डायलेटेशन की हम बात कर रहे हैं कि उसके वॉल्यूम में चेंज आएगी, ठीक है। तो जिस टाइम ये उसको किसी भी
रिफ्लेक्टर को हिट करेगी। यहाँ पे हम जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं इसमें साइज्मिक में, उसे हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। रिफ्लेक्टर वो है पोर्शन की जहां पर से वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट हो रहा ना, ठीक, वो चाहे वो बेड है, लेमन है या डिफरेंट फॉर्मेशन है, तो उनके अंदर जो गैप आ रहा है, तो यहाँ पे बाज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और बाज जो है वो डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ से वापस आएगी, फिर यहाँ से आगे फर्दर मूव करके ये वापस आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टिव होता है वो, जितने उसके मीडियम में वो चेंज आता है ना, तो वो उस मीडियम के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स देता जाता है। अब वो साइज्मिक की टर्मिनोलॉजी में उन्हें रिफ्लेक्टिव क्या नाम है वो कहा जाता है, क्या मैंने कहा था यार वर्ड ही भूल गया, रिफ्लेक्टर्स उसका या हॉरिजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये होगी पी वेव। पी वेव जो है वो थ्रू द बॉडी आएगी, ठीक है। जो एस वेव आपके पास जिन्हें कहा जाता है शीयर वेव, उसका जो है प्रोपोगेशन, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, तो इसमें आपकी जो कंप्रेशन आ रही है, ये फर्स्ट वन जो ए है ये आपके पास पी वेव में है, ठीक है। इसकी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन जो है वेव की वो आपके पास ये आ रही है, ठीक है। इस वेव के अलॉन्ग जो है वो इसमें स्ट्रेचिंग ला रहा है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल मूव करते हैं वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन करते हैं, जबकि जो आपके पास एस वेव होती है उसमें आपके पास जो वेव की डायरेक्शन अगर इस तरह है तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो उसके वर्टिकली जंप अप हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसमें दोनों में उसकी वेव प्रोपोगेशन विद रिस्पेक्ट टू जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट, वो इसे डिफरेंशिएट करती है कि ये आया एस वेव है या पी वेव है। इसके वजह से क्योंकि ये आपके पास जो है उसके परपेंडिकुलर मूवमेंट की वजह से ये थोड़ी रिलेटिवली आपके पास स्लो होती है, लेकिन स्टिल ये बॉडी वेव है एज कम्पेयर टू सरफेस वेव, ये स्टिल आपके पास अर्ली अराइवल्स में आता है, ठीक है। तो इसका जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी फिक्स पोजीशन में, वो अपने जितना भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो है उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। ये रिलेटिवली स्लो है और ये आउटर कोर में से, क्योंकि वो लिक्विड होती है तो उसमें से ये मूव नहीं करती, ठीक है। तो साइज्मिक आपको अगर किसी ने वो ग्राफ बनाया हो उसका अर्थ का, ये हम कोर और ये मांटल बना देते हैं रफली सा, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर जनरेट होती है तो साइज जो पी वेव है वो इसमें से क्रॉस करेगी, लेकिन वो आपके पास एक शेडो जोन बनाती है, ठीक है। पी वेव का शेडो जोन वो है कि जहाँ पे पी वेव वापस रिकॉर्ड नहीं होती, ये वाला पोर्शन यहाँ पे पी वेव का ब्लैंक जोन आ रहा है, ठीक है। जबकि एस वेव का शेडो जोन जो है वो किस तरह होगा, आपके पास एस वेव यहाँ पे आएगी, आगे ये आपके पास मांटल जो आपके पास आ रहा है आउटर कोर्स वगैरह आ रही है, ये इसमें आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, तो वो यहाँ पर से वो मूव नहीं करेगी, वो सरफेस के अलांग करके तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होगा इसका यहाँ से लेके यहाँ तक शेडो जोन है, ठीक है। कि अगर यहाँ पे एक अर्थक्वेक जनरेट हुआ है तो वो इन एरियाज में आपको डिटेक्टेबल नहीं है, ठीक है। पी वेव्स आपको इन एरियाज में डिटेक्टेबल नहीं है, वन ये मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 103 से लेके 103 तक था, ठीक। शैडो जोन्स का पता लगा, यस सर। शैडो जोन वो है जहां पर से वो क्रॉस करके आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। पी वेव का शैडो जोन छोटा होता है, एस वेव का आपके पास ज्यादा होता है, क्योंकि वो लिक्विड में से पास नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो जिस टाइम सब सरफेस में जा रही है जहाँ पे लिक्विड आएगा तो वो लिक्विड के अंदर से क्रॉस नहीं करेगी, वो उसकी जो सरफेस है उसके अलॉन्ग जो है वो मूव आउट कर जाएगी, ठीक है। तो एस वेव आपको एक काइंड ऑफ अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, अगर सब सरफेस में आपके पास जो है वो लिक्विड मटीरियल आ रहा है तो एस वेव आपको जो है वो पोर्शन में आपको ब्लैंक पोर्शन देगा।
जबकि जो पी वेव है वो उसमें से क्रॉस आउट हो जाएगी लेकिन डेविएट होके, ठीक है, जैसे ना पानी में से लाइट गुजरती है आपकी। तो सरफेस वेव क्या होती है? सरफेस वेव जो ऑनली जो फ्री सरफेस होती है ना, उसकी जो बाउंड्री होती है बिटवीन टू सेडिमेंट्स के अलॉन्ग, ठीक है, दो सेडिमेंट्स के अलॉन्ग जो बाउंड्रीज होती है, मतलब ये एक आपके पास सेडिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो वो आपके पास इस वो जो वाइट स्पेसेस है ना इनके अलॉन्ग मूव करती है, ठीक है। तो इसमें आगे दो टाइप्स आपके पास आ जाती हैं, एक रेले वेव आ जाती है और एक लव वेव आ जाती है। रेले वेव जो है वो फ्री स्पेसेस के अलॉन्ग मूव करती है, तो इसमें जो है बहुत आपके पास लॉन्गिट्यूडनल भी होता है वाइब्रेशन और ट्रावर्स भी होता है, मतलब आपके पास जो है इसकी जो मूवमेंट है वो आपके पास दो डायरेक्शन में होती है, किसी एंगल पे भी, और ऐसे इसकी वजह से इसमें रेट्रोग्रेड मोशन बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है, उसमें जंपिंग फैक्टर जनरेट करता है। ये जो होती है मोस्टली आपका जो टॉप सरफेस है ना, जो आपके पास अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, जो आपके पास सॉइल कवर आता है, ठीक है, रेगुलेट वगैरह, उसके अंदर ये जनरेट होती है और ये इंतहाई डैमेजिंग होती है। जिस टाइम अर्थक्वेक आता है उसमें ये आपके पास लव वेव और रेले वेव जो है ना, ये आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है, क्योंकि इसमें जंपिंग फैक्टर होता है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी के लिए वो डैमेजिंग होता है, ठीक है। तो जितना अर्थक्वेक नियर से आपको आता है उसका जितना भी आपके पास रेक्टर स्केल हो उसमें से ये फ्री एयर स्पेसेस के अलॉन्ग मूवमेंट की वजह से वो जो जंपिंग फैक्टर आता है उसकी वजह से आपकी वो बिल्डिंग्स की डिमोलिश होने का ज्यादा खतरा होता है। तो इसमें जो लव वेव्स होती हैं ये भी सरफेस के अलॉन्ग ही मूव करती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका हम बनाते हैं एक 3D सरफेस, ठीक, ये आपकी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है और इसमें जो है हॉरिजॉन्टल ये सब मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे 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 मूव करता हुआ ये लेके जाएगा प्रोपगेशन। तो अभी मैं दूसरी बुक पे स्विच होना चाहता हूँ, अगर ये नाराज ना हो जाए तो। हाँ, ये शेयर हो रही है आपके पास? नहीं सर, अभी आ जाएगी, अब हो गई सर। हाँ, ये आपके पास जो है रेले वेव्स है, ठीक है, ये आप देखें वो जो फ्री सरफेसेस हैं उनके अलॉन्ग जो है आपके पास रेट्रोग्रेड मोशन बना रहा है, तो ये इसकी वजह से ये वेवी मोशन आता है, ठीक है। अब ये इसकी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है और ये इसका जो फैक्टर है उसकी वजह से ये आपके पास वेवी फैक्टर आता है, ठीक है। तो इस वेविंग की वजह से आपके पास ये जो रेले वेव्स हैं ये हाईली डैमेजिंग होती है, ठीक, और जबकि ये है आपके पास लव वेव्स, इसमें वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन आपके पास क्या आ रही है, वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन ये है और उस डायरेक्शन के अलॉन्ग आपके पास जो है ना ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है, समझ आई? यस सर, बिल्कुल। इसकी वजह से जो आपके पास जो कोई भी मटेरियल है उसमें आपके पास इस तरह डैमेजिंग आएगी, ठीक है, वो साइड वाइज आप उसको जो है ना उसमें मूवमेंट आ रही है, ठीक। तो दोबारा स्विच बैक करते हैं उसी की तरफ, क्योंकि ये तो प्रॉपर वो जियोफिजिक्स की बुक है और इसमें जो है वो फिर उसकी सारी तफसील से लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी वेव प्रोपोगेशन होती है किसी बॉडी में वो डिपेंड कर रही होती है उसकी ह्यूमिजेनिटी के ऊपर, कि कितना ह्यूमिजीनियस है वो मटेरियल या इनह्यूमिजीनियस है। जहाँ भी ह्यूमिजीनियस होगा तो वो वेव जो है वो सिंपली उसमें से क्रॉस करती जाएगी, जहाँ पर से डिफरेंट उसे मटेरियल या डिफरेंट उसमें गैप आएगा, एक बेड में से दूसरे बेड में कन्वर्जन आ रही है, ठीक है, या फिर एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन से आ रही है, तो वो वहाँ पर से उसमें पार्शली अब्जॉर्ब हो जाती है और पार्शली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे हम उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हम उसमें बात कर रहे थे ना, ये अपना रिमोट सेंसिंग वगैरह में,
तो वो आपके जो है GIS वगैरह में, तो वो जितना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो आधी आपके पास जो है हीट एनर्जी के स्रोत पे स्टोर हो जाती हैं और आधी जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो उसका रिस्पांस हम रिफ्लेक्ट बैक का रिस्पांस हम देख लेते हैं। तो इसमें भी जो वेव होती है वो उस इंटरफेस के ऊपर, ठीक है, जब वो जो रिफ्लेक्टर होता है उसके ऊपर जो है वो आधी जो है वो एनर्जी उसकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और आधी जो है वो दोबारा उसमें वो हो जाती है, क्या नाम है, रिफ्लेक्ट होके तो फर्दर डीपर चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसकी डिपेंड कर रही होती हैं, एक तो उसकी इनहोमोजीनियस के ऊपर या ह्यूमजेनस है जो आपके पास होमोजीनियस है, ठीक है। सेकेंडली उसकी रॉक प्रॉपर्टीज के ऊपर, इलास्टिक मॉड्यूल के, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन के अकॉर्डिंगली वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। फिर आपके पास जो है उसकी डेंसिटी के ऊपर कि कितना डेंसर है, जितना डेंसर होगा उतना कम्पैक्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। Yes, sir. तो रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बात जो है अगर वो वहाँ पर से कोई जब उसमें चेंजेस आती हैं तो ये बेसिकली साइज़मिक रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो है ये यूज़ की जाती है, ठीक है। जिस टाइम आप एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स कर रहे होते हैं जो आइलैंड गैस या कोल वगैरह के लिए, तो वो वहाँ पर आप रिफ्लेक्टेंस और रिफ्रेक्टेंस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक उसने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई हुई है टाइम ट्रेवल के अलाउ, ठीक। तो इसमें से आप जो है ये सोर्स है, ठीक, ब्लास्टिंग सोर्स है, यहाँ पर से आपके पास वर्टिकली नीचे गई और यहाँ से वर्टिकली ऊपर आ गई, ठीक है। ये आपके पास जीरो ऑफसेट इसको कहा जाता है। उसके अलावा फिर आपने एरेज में आपने वो बनाया होता, ठीक है, ये आपका वो बन गया सोर्स और ये आप जो है आगे आपने जियोफोन लगाए हुए हैं किसी एरे में, तो वो इनके ऊपर जो है ना डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट एंगल पे हैं तो डिफरेंट एंगल में जितना उसका ट्रैवल होता है वो उसमें टाइम का डिफरेंस आएगा। ऑब्वियसली ये वाला जो फर्स्ट वन वाले हैं या ये यहाँ पे सोर्स के ऊपर ही जीरो ऑफसेट के ऊपर, तो आप रेडिली आपको रिसीव हो जाती है। तो जितना डिफरेंस होता जाता है उतना आपके पास जो है वो टाइम में, उसकी रिसीविंग टाइम में जो है वो डिफरेंस आता जाता है, ठीक है। तो ये जो टाइम डिफरेंस होता है ये आपको बताता है कि सब सरफेस में जो आपके पास रिस्पांस आ रहा है वो कितनी डेप्थ पर से आ रहा है, ठीक। तो जो आपके पास ट्रेवल वेव है जिसे आप कहते हैं सोर्स, आपके पास ऐसा आ गया, रिसीवर आपके पास आ रहा आगे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव पॉइंट सॉरी आपके पास आ रहा आगे, H जो है उसकी थिकनेस होगी और G जो है वो आपके पास जियोफोन आ गया। तो इसमें जो ट्रेवल टाइम होता है दो वेलोसिटीज का डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है दो डिफरेंट जियोफोन्स के ऊपर, यहाँ पे हम करते हैं कि एक जियोफोन वन ये है आपके पास और एक जियोफोन आपके पास ये है, ठीक है। अब सेम वेव है, सेम रिफ्लेक्टेंस से वो वापस आ रही है, सेम इंटरफेस से वो वापस आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास वो अर्ली मिल रही है और यहाँ पे आपके पास वो लेटर ऑन मिल रही है, ठीक है। तो ये जो टाइम डिफरेंस होता है ये टाइम डिफरेंस जो है वो आपको इस थिकनेस के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक्स डैश है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक्स है, दोनों का जो डिफरेंस है कि वो सेम वेव सेम रिफ्लेक्टर से आपके पास जो है वो कितनी देर में पहुंचा, तो वो आपको उसकी डेप्थ के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसीलिए आप सिंगल जियोफोन को यूज़ करते हुए आप उसको जो है ना इंफॉर्मेशन को आप उसे फिगर आउट नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे टाइम साइज़मिक सर्वे किया जाता है तो उसमें मल्टीपल जियोफोन यूज़ किए जाते हैं, उसमें मल्टीपल उसमें वो होते हैं एरेज होती हैं, ठीक है। वो आपके पास ये सोर्स है, ठीक है, इसे सिंगल एरे ये कहा जाता है, ठीक है, वन डायरेक्शनल है, ठीक है।
ये इसमें ये जो सोर्स से लेके फर्स्ट यू फोन का डिफरेंस होता है इसको ऑफसेट कहा जाता है. ठीक है, फर्स्ट यू फोन का और सोर्स का आपस में जो डिस्टेंस है. ठीक, फिर इसके अलावा फिर अगर आप दरमियान में करते हैं ब्लास्ट और दोनों साइडों पे आप यूज करते हैं जियो फोन तो इसे कहा जाता है स्प्लिट. ठीक, एरे. उसके अलावा फिर ये अगर आप इसको वो कर रहे हैं थोड़ा 3D कर रहे हैं तो फिर इसे आप एल शेप में भी कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है वो सब सरफेस में से इंफॉर्मेशन कैसे लेना चाह रहे हैं. ठीक, उसके अलावा 3D में जो है वो ऑब्वियसली आप फिर इसको जो है सोर्स में यहाँ भी यूज़ करेंगे और इस साइड पे भी थी डायरेक्शन में भी आप यूज़ करेंगे. ठीक, तो ये उसकी कंपोजिशन है कि आप सोर्स के अकॉर्डिंगली आप जियो फोन जो रिकॉर्डर हैं उन्हें आप किस तरह यूज़ करते हैं. ये सेंट्रल शॉट है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिटेक्टर लगे हुए हैं जो जियो फोन है. ठीक, इसे स्प्लिट एरर कहा जाता है. तो जिस टाइम वो साइज़मिक वेव इसमें से गुजरती है तो वो आपके पास सिंगल जियोफोन पे सिंगल ट्रेस आता है. ठीक है, सिंगल जियोफोन पे आपके पास इस तरह का ट्रेस आएगा. ठीक है, वो वेव्स आ रही होती हैं जहाँ पे वो रिफ्लेक्टर्स आ रही है वहाँ पे वो वेव आ रही है. ठीक, ये सिंगल जियोफोन का डेटा है आपके पास. फिर आपके वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 जियोफोन यूज़ किए हुए तो 10 जियोफोन पे वो आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइम के मुताबिक जो है उसके ऊपर वो रिफ्लेक्टर्स आएगी. ठीक है, इन सारों को जो है वो फर्दर जो है क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसे तीनों ही मिटा दिए. क्या आपके पास अगर जो फर्स्ट जियो फोन था 1, 2, 3 तीनों पे टाइम का जो डिफरेंस आएगा ना तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसमें ये कर्व यहाँ पर से ये वाला कर्व यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, जो थर्ड वाला है उसमें ये कर्व यहाँ पे शिफ्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, ये टाइम शिफ्टिंग है. ठीक, तो इसको लेटर ऑन जो है इन सारों को प्रोसेसिंग करके उसमें जो ऑफसेट है उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट किया जाता है. ठीक है, इन सारों का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम करके इसे क्रॉप अप करके इसे शिफ्ट अप किया जाता है ताकि सारी जो है वो एक लाइन में उनके आपके पास ये आ जाए. ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है. ठीक, इस साइड पे ये जो मूव कर रहे हैं ये आपके पास नेगेटिव है, जो इस साइड पे मूव कर रहा है ये आपके पास पॉजिटिव इसका आ जाता है. ठीक, एक उसे क्रॉस कट आप लगा दें तो ये वाले आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं उसको वो डार्कर कलर में शो कर देता है. ठीक है, जो नेगेटिव होते हैं उन्हें वो वाइटर कलर में होता है. तो लेटर ऑन डेटा प्रोसेसिंग के साथ कन्वोलेशन डीकन्वोलेशन वगैरह यूज की जाती है, टेक्निक्स यूज की जाती है. तो उसके बाद जो है जिस टाइम सारी प्रोसेसिंग होती है एक शॉट के ऊपर, ये जितने जियो फोन्स का डेटा है इन सारे का जो है एक शॉट का डेटा जो है उसे कंपाइल अप करके उसे एक विगल में एक साइज़मिक ट्रेस में उसे कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जो कंफर्म होता है इन सारों का कंपोजिट. ठीक है, तो जो आपके पास साइज़मिक सेक्शन बनता है वो आपके पास हर शॉट का डेटा होता है, हर शॉट के ऊपर जितने जियो फोन्स है उन सारे जियो फोन्स को कंबाइन करके एक वेव में कन्वर्ट किया गया. ठीक है, तो वो यहाँ पे बेहिसाबी वेव्स हैं. तो जितनी बेहिसाबी वेव्स हैं उतनी आपके पास वो शॉट्स हैं. ठीक है, तो वो जो वेव्स होती हैं हर सिंगल वेव आपको एक सिंगल शॉट का डेटा बता रहा होता है, एक सिंगल शॉट में सारे जियो फोन्स का कंपोजिट डेटा है. समझे आप? यस सर. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टेकिंग. ठीक है, तो आप चूंकि डायनामाइट तो नहीं यूज करते तो उसकी जगह जो सोर्स यूज किया जाता है वो आपके पास ट्रक माउंटेड आपके पास वाइब्रोसाइज होते हैं. ठीक है, वो उसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है 25x25 feet का आपके पास प्लेट लगी होती है, उसे वो रेस्टिंग कंडीशन में लगा के ऊपर थंपिंग करता है तो वो जमीन में जो है वो वेव जनरेट होती है. इसको यहाँ से कंप्लीट करते हैं फिर दूसरी बुक में उसे देख लेते हैं. ठीक है, तो इसमें जो वेव जनरेट की जाती है लो एम्पलीट्यूड की वेव की जाती है. लो एम्पलीट्यूड का मतलब ये कि उसकी वेव लेंथ इंक्रीज होगी और उसका एम्पलीट्यूड जो उसकी ये होता है ना वो कम होगा. ठीक है, तो जितनी लो वेव होती है अब जिनके हम साइज्मिक में काम कर रहे हैं
पेट्रोलियम का काम कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम बाज दफ़ा आपके पास जो साइज़मिक सेक्शन आता है वो ऑलमोस्ट आपके पास 10 किलोमीटर का आता है ना, ठीक है। तो आप जिस टाइम जितनी वेव उसके एम्पलीट्यूड कम होगा, ये आपके पास वेव है, ये उसकी वेव लेंथ है लैम्डा, और ये उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी आपके पास वेवलेंथ ज्यादा होगी, और जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो उतनी डीपर पेनिट्रेट करती है, ठीक है। इवन कि आप मैग्नेटोटेलरिक का काम भी कर रहे हो, तो मैग्नेटोटेलरिक का भी जो आपके पास इम्पल्सिव वेव्स आ रही होती है ना, जिस टाइम शॉर्ट आप करते हैं तो शॉर्ट में आपके पास जो इनिशियल वेव्स आती हैं वो इंतहाई आपके पास हाई उसकी की होती है एम्पलीट्यूड की, और लो आपके पास मतलब हाई फ्रिक्वेंसी होती है उनकी, हाई एम्पलीट्यूड होता है, और लो उसके पास आपके पास वेवलेंथ होता है कि एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस कम होता है। तो ये आपको नियर सरफेस का डेटा दे रहा होता है। अब ये जो इनिशियल आप जिस टाइम इम्पल्सिव यूज करते हैं सोर्स, इम्पल्सिव कहा जाता है डायनामाइट को, नॉन इम्पल्सिव कहा जाता है आपके पास जो वाइब्रोसाइजेस है उनको कहा जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्ड नहीं होती एनवायरमेंट, ठीक है। तो जो आपके पास अगर लॉन्गर एम्पलीट्यूड की और शॉर्टर वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन आएगी ना वेव, तो वो आपको नियर सरफेस की आपके पास इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ये यूज होता है आप ताकि अगर आप कवर का देखना चाह रहे हैं कि किसी एरिया में कवर कितने एरिया तक जो है, कितनी डेप्थ तक कवर का है, क्योंकि ऑब्वियसली कवर में तो ना आपके पास मिनरलाइजेशन मिलेगी मोस्टली अगर वो प्रेशर डिपॉजिट्स नहीं है, तो सेकेंडली ना तो पेट्रोलियम वहाँ पे मिलेगा, तो हमें वो बेड रॉक्स चाहिए होते हैं, तो ऊपर के जो कवर का पोर्शन है तो उसको डिलिनिएट करने के लिए कि वो यार कितना उसकी थिकनेस है, उसके लिए आप ये सरफेस की जो वेव्स है इनको यूज किया जाता है, ठीक है, या नियर सरफेस की आप। तो मैकेनिकल वाइब्रेटर जो आप यूज करते हैं उसमें आपके पास कंट्रोल्ड सोर्स होता है, उसमें आपको पता होता है कि आप कितनी वेव जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अर्थ में, वो कितनी रिस्पांस में आएगी। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि बाज दफ़ा वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, जो आप नीचे वेव भेज रहे हैं वैसी ही वेव वापस आ रही है, तो वो आपके पास वो डबल अप हो जाता है, तो इसमें फिर प्रोसेसिंग टेक्निक्स डिफरेंट यूज होती हैं। तो इसमें 10-80 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है। तो जो आपके पास मेरीन है, मेरीन के केसेस में आप जो है या तो स्पार्क यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क भी यूज कर सकते हैं, गैस स्पार्क भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एयर गन शॉट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो साइज़ोमीटर जो होता है वो बेसिकली उसका मैकेनिज्म जो है वो मैं दूसरी बुक में आपको बाद में बताता हूँ, ये ना हो कि शिफ्टिंग की वजह से हम बाहर ही निकल जाएं। तो ये साइज़ोमीटर में होता क्या है, सिंपल है कि एक कॉयल है, उसके अंदर जो है एक मैग्नेट पड़ा होता है, या मैग्नेट लूज कंडीशन में लगाया जाता है कि वो मूवमेंट पे मैग्नेट मूव करे, या फिर आप चुका जो है कॉयल मूव करती है। इन एनी केस जिस टाइम ये मूव करता है तो इसकी वजह से करंट जनरेट होता है, ठीक है। ओरिजिनली जब स्टार्ट में अर्थक्वेक स्टडी किए जाते थे तो अर्थक्वेक स्टडी करने के लिए वो एक नीचे एक रोलिंग ड्रम होता था, ठीक है, उसके ऊपर पेपर जो है वो रोल होता रहता था, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने एक पेन को वैक्यूम कंडीशन में उन्होंने सस्पेंडेड फॉर्म में रखा होता था, तो वो पेन सिंपली जिस तरह है ना, अब जैसा मैं ये अपना पेन यूज कर रहा हूँ, तो वो अगर स्टेबल कंडीशन आएंगी तो वो इस तरह की वेव जनरेट होगी। जब वो अब क्योंकि वैक्यूम कंडीशन में है, तो जिस टाइम में उसके ऊपर डिफरेंस आया, अर्थक्वेक वेव आई, तो वो फिर आपके पास उसकी एम्पलीट्यूड के मुताबिक वो मूव करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि एनालॉग है, इसमें अच्छा खासा पेपर आपको चाहिए, ठीक है, वो इतने को तो नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए उन्होंने इसको मजीद सोफिस्टिकेट करके सोफिस्टिकेशन यूज डिलीट कर दी तो उन्होंने एक कॉयल यूज की, कॉयल के अंदर मैग्नेट यूज किया, इसकी वजह से जितनी मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली करंट जनरेट होता है, ठीक है। उस करंट को वो डिजिटल फॉर्म में, अब चूंकि ये मूवमेंट जो है ये तो मैकेनिकल मूवमेंट है ना, तो मैकेनिकल मूवमेंट को वो एनालॉग में आगे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस मैकेनिकल मूवमेंट को वो आगे जो है वो इसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, तो उसके लिए आपके पास एडी कन्वर्टर यूज होता है, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। जितनी वेव है ये फॉर एग्जांपल इन्होंने कट किया हुआ यहाँ पर से आपके पास जीरो यहाँ पे 1, 2, 3 का, तो वो वहाँ पे सिंपली वहाँ पे 2, 3, 5
ये चीज़ें आपके पास वो नोट डाउन हो रही होंगी। उसको लेटर ऑन जिस टाइम आप कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल ग्राफ पेपर के ऊपर जो है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मूव आउट कर देते हैं, ठीक है, तो वो दोबारा आपके पास एनालॉग फॉर्म में आ जाता है। तो ये होता है जियोफोन, इसमें सिंगल कंपोनेंट यूज किया जाता है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ही, क्योंकि जो वर्टिकल हमें नहीं जरूरत कि ये एक आपके पास सरफेस है, यहाँ पर से कौन सी वेव्स आ रही है, यहाँ से या नॉर्थ साउथ में से कौन सी आ रही है, हमें सिंपली इसके इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि जो वर्टिकली आपके पास कैसे आ रही है, ठीक है। तो इसमें जो जियोफोन में जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो वर्टिकली होता है, वो सिंपली जो वर्टिकल मूवमेंट होती है उनके स्टडी के लिए होता है, ठीक है। जबकि आपके पास जो अर्थक्वेक होता है उसमें आपके पास जो है थ्री कंपोनेंट यूज किया जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस के बारे में तो आपको पता है एप्लीकेशंस इसकी कितनी है, ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है, इसमें सारी चीजें आपको जो है वो प्रॉपरली आ जाती है। चलें, लेक्चर तो इस समय ख़त्म हो गया, अब दूसरी बुक पे जाके हम इसी चीज़ों को देख लेते हैं डिटेल के साथ। ये है जियोफोन, काफ़ी है, लेक्चर ख़त्म हो गया, अब उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। सही है, ठीक है। तो ये एक आपके पास सिंपल जियोफोन है, ठीक है, इसमें देखें आपके पास मैग्नेट लगा हुआ है और साथ में कॉइल लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट केस में आपके पास जो मैग्नेट है ना ये मूवेबल कंडीशन में, कॉइल आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है। सेकंड केस में मैग्नेट आपके पास फिक्स्ड है और ये जो कॉइल है ये मूवेबल में, ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक। तो जिस टाइम इसमें मूवमेंट आएगी तो इनमें से कोई एक चीज हिलेगी, अब ये यहाँ पे मैग्नेट हिलेगा अप एंड डाउन, उसकी वजह से जिस टाइम मैग्नेट किसी कॉइल में से मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो ये उसका जो है ना सिंपल मैकेनिज्म है एक जियोफोन का, ये सिंगल कंपोनेंट जियोफोन है, ठीक हो गया। इसके बाद में फिर आपको उसका भी दिखाता हूँ। तो ये चीजें, ये सिंपली उनमें से सारों में से जो शॉर्ट्स है वो आपके पास रिकॉर्ड हो रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं मेरीन वाला मिल जाए। फिर सारी उसकी टेक्निक्स लिखी हुई है, कन्वोल्यूशन डीकन्वोल्यूशन वगैरह। हाँ, ये आपके पास जो है ना इस तरह का आता है, ये अब सेस्मोग्राम है, ठीक है। इसमें ये देखें ये वेव्स है, ठीक है, कि आपके पास ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है, ये हर वेव जो है वो एक सिंगल शॉट का डेटा बता रहा है। जितना आपके पास एक शॉट में से आया था ना, जितने जियोफोन के ऊपर रिकॉर्डिंग आई है उन सारी चीजों को वो कंपाइल अप करके स्टेक अप करके वो आपके पास एक साइज्मिक सेक्शन बनाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है साइज्मिक सेक्शन इस तरह का आपके पास एक इमेज शो कर देता है, ठीक है। लेटर ऑन जो है अब यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है, टॉप वाले को ये हम देख लेते हैं। ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे देखें ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। रिफ्लेक्टर मैंने आपको वो कहा कि जहां पर से लिथोलॉजी चेंज हो रही है। अब ये देखें इसमें ये माइन्यूट पैड्स भी हैं आपके पास, ये हो गए इस तरह, ठीक। ये एक प्रोमिनेंट है, इसी को आप देखते हैं तो ये आगे ये यहाँ पे ड्रॉप हुआ हुआ, तो इसके अंदर जो है आप फॉल्ट मार्क करते हैं, ठीक है, जितने पोर्शन तक वो आपके पास डिटेक्टेबल है। अब ये जो है ये यहाँ पे उसने ये सेकंड फॉल्ट मार्क किया हुआ है, ये आपके पास थर्ड फॉल्ट मार्क हुआ हुआ है, ठीक। तो ये आपके पास क्या डेटा शो कर रहा है, ये आपके पास ऑर्डोवीशियन से लेके आपके पास क्रिटिशियस तक है, ऑर्डोवीशियन है, जुरासिक है, क्रिटिशियस है, ठीक। और ये आपके पास जो है ये वेल का लोकेशन है, इसी के आगे फर्दर उसने सिंगल शॉट का डेटा भी बताया है। ये ठीक है, ये
मैं वो देख लूँ आपके लिए, ये जियो फोन्स हैं। ठीक, सिंपली दो टाइप के हैं ये, इसलिए बनाया जाता है, इसके नीचे जो है ये नीचे कील टाइप की लगी होती है ये, ताकि आप ज़मीन में से पेनिट्रेट कर सकें। तो इसके ऊपर यहाँ पे मोस्टली जो है वो फुट से इसे स्टैम्प कर देते, और ये जो है आपके पास जो है वो उसमें सेव आउट हो जाता है, मतलब ज़मीन में जो है वो प्लग इन हो जाता है। मैकेनिज्म इसका वही है, मैग्नेट के अंदर जो है वो कॉयल सस्पेंडेड फॉर्म में है। इसको फर्स्ट चेक किया जाता है लेबॉरेटरी में, ठीक है, उसमें आप इसका रिस्पांस चेक करते हैं कि जितनी वेव आपने जनरेट की है उतना ही इसने रिस्पांस भी दिया कि नहीं दिया। तो इनिशियल चेकिंग ये होती है इसकी। ये जो सेकंड वन है ये आपके पास हाइड्रोफोन्स हैं, ठीक है, क्योंकि अब पानी में जिस टाइम आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफशोर काम कर रहे हैं, तो ऑफशोर में तो आप उसे कहीं पर डिग तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बेसिकली वेसल होती है, वेसल के अलॉन्ग, वेसल ये कि एक आपके पास कश्ती होती है, उसके बैक साइड पर जो है ना, तो ये लड़ियां जैसा नहीं होती, रोप्स के अलॉन्ग जो है ना, इनको सस्पेंडेड फॉर्म में किया जाता है। ये आपके पास एयर ब्लास्ट चैम्बर है, ठीक है, ये है आपके पास, ये देखिए, ये एक वेसल है आपके पास, एक शिप है, उसके अलॉन्ग यहाँ पे ये आपके पास ट्रेलिंग में ये आ रही है, ठीक है, हाइड्रोफोन्स। अब इस वेसल में आप आया जो है, या तो एक कंप्रेस्ड एयर यूज करके तो यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं, या फिर आप वहां पे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट वगैरह। ये वाइब्रोसाइज है, ठीक है, ये एक ट्रक है, उसके नीचे बैली में इन्होंने ये प्लेट लगाई हुई है। तो इस प्लेट को वो जिस टाइम वो नीचे ग्राउंड के साथ लगा के, तो वो वाइब्रेशन जनरेट करता है इसके ऊपर, ठीक है, तो इसको वाइब्रोसाइज कहा जाता है। वो इस बुक में से मेरा ख्याल है इतना ही है, तो फिर देखते हैं, वो ढूंढता हूँ मैं आपके लिए, जो साइज्मोग्राम होते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल चैनल है, वो साइज्मोग्राम है, उसके लिए मैं अपनी एक प्रोफाइल की है, ये इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये। ये डेप्थ सेक्शन है उसका बना हुआ है, ठीक है, साइज़मिक सेक्शन वगैरह को लेके। ये मेरी अपनी बेसिकली वो है एमएस का और बीएस के जो रिसर्च है ना, उसकी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो ये सेक्शन है, इन सेक्शंस के अलॉन्ग जो है ना, उसे आगे डेप्थ में कन्वर्ट कर दिया। ओरिजिनली आपके पास इस टाइम सेक्शन में आता है, ठीक है, कि राइट साइड पर आपका टाइम लिखा हुआ था सेकेंड में, क्योंकि एक सेकंड के बाद ये व्हीकल आ रही है, दो सेकंड के बाद ये आ रही है, तीन सेकंड के बाद ये आ रही है। तो ये ऊपर होती है वेलोसिटी विंडोज, ठीक है, इनको कहा जाता है वेलोसिटी विंडोज। ये टाइम के अकॉर्डिंगली वो वेलोसिटी यहाँ पे लिखी होती है, उसको आपको आगे फर्दर जो है सिंपल उनमें यूज करके, मैथमेटिकल यूज करके आप इसे डेप्थ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास टाइम है और आपके पास वेलोसिटी है, तो आप s इज इक्वल टू वी टी कर देंगे, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा कि कितना है। लेकिन चूंकि ये तो आपके पास जैसे में वेव नीचे जाती है और वापस आती है, तो टू वे ट्रेवल होता है ना इसका, ठीक है, नीचे गई वापस आई, तो एक वेव आपके पास ये आ गया, एक वेव का ट्रेवल टाइम ये आ गया। इसे हमने कन्वर्ट करना है सिंपली वर्टिकल में, तो ये आप करेंगे s इज इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई टू, सॉरी डिवाइड कुछ ज्यादा इस साइड पे आ गया, ठीक है, तो ये आपको वन वे ट्रेवल का बता देगा। तो इसकी वजह से फिर आपका क्या बनता है, आपके पास ये डेप्थ सेक्शन बनता है, ठीक है। फिर ये आप कन्वर्ट करके आपको पता लग गया, आपको हार्ट फॉर्मेशन जो है वो 6000 आपके पास जो है मीटर से, मतलब 6 किलोमीटर से नीचे आपके पास को हार्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 6 से 7 किलोमीटर के अंदर आपके पास जो है वो लुकआउट फॉर्मेशन है, फिर नीचे बेसमेंट है। मैंने आपको कहा क्योंकि हम ऑयल
इंडस्ट्री के जिस टाइम काम कर रहे हैं तो उसमें आप सिंपली जो है इंटरेस्टेड होते हैं रिजर्वायर रॉक में और सोर्स रॉक वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए जो फर्दर ऊपर का जितना डेटा है वो मेरे लिए राइट नाउ ऐसा नॉइस के तौर पे, ठीक है। तो हम सिंपली ये देख रहे हैं कि आपके पास जो रिजर्वायर रॉक है उसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक किस तरह बन रहा है, उसमें जो है शेप कैसे बन रही है। ये फिर उसकी जो है वो क्रिस्टल थिकनेस वगैरह देखी थी कि या कितनी क्रिस्टल शॉर्टनिंग आई है उस एरिया में पाइल अप करने के साथ, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। काम की चीज पे जाते हैं, ये मैग्नेटिक है, ये आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा जब मैग्नेटिक होगा। हाँ ये है, ये बेसिकली ये जो हमने इंस्टॉल किए थे यहाँ से खुंजराब तक 30 seismic stations. तो ये उसका basic processor unit है। इसी के अंदर आपके पास जो है यहाँ पे GPS है, PDA लगाने की जगह है, ethernet है अगर आप उसको live उसकी coverage करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास memory card पड़ते हैं इसमें, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको mostly हमारे पास जो थे वो पुराने वाले नहीं PCI slot के काफी चौड़े से होते हैं, ठीक है, पिने लगी होती हैं जिससे वो पुराने जो आप डेस्कटॉप देखें तो उनके अंदर PCI स्लॉट्स होती थी, ठीक है, जिसमें वो आपकी VGA वगैरह की केबलें लगती हैं इंटरनली। तो उस तरह के ये आपके पास PCI स्लॉट के कार्ड होते हैं, मोस्टली जो है वो 8 GB के होते हैं, तो इसमें हम दो लगा देते हैं 16 GB का बन जाता है। इसी के अंदर बैटरी भी एक छोटी इंस्टॉल करते हैं ताकि वो उसकी मेमोरी के लिए हो, ठीक है। तो जिस तरह कंप्यूटर में नहीं होता मेमोरी के लिए वो सेल लगा होता है, आपने फ्रेश करने हैं उसका टाइम वगैरह उसमें स्टोर होता है, ठीक। ये GPS यहाँ पे होता है ताकि लोकेशन आप फाइंड कर सके। ये ऊपर से कैप होता है, इसे आप रिमूव करते हैं रोटेट करके तो इसके अंदर वो प्लग इन लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर से पावर सोर्स है इसका बैटरी, इस पावर सोर्स को फर्दर जो है आप उसके साथ जो सोलर प्लेट है ना उसके साथ आप इसे अटैच करते हैं। ये यहाँ पर से PDA जो हम मोस्टली इसमें अब ये जो रेफटेक का था इसकी एक एप्लीकेशन आती है वो आपके पास आईफोन में इजीली अवेलेबल है उसके स्टोर्स के ऊपर, तो वहाँ पर से आप इसको कमांड वगैरह देते हैं। ये सेंसर केबल है, ठीक है। अगर आप सिंगल सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो आप एक ही केबल यूज़ करेंगे, अगर आप मल्टीपल चैनल यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप दो सेंसर की एक CPU के ऊपर आपके पास अवेलेबिलिटी होती। ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये नॉब है। स्टार्ट में काम क्या करना होता है, आपने इसको अननॉब करके इसे उल्टा करके इसके अंदर जितना टायर के अंदर ट्यूब नहीं होती, ठीक है, वो आपने देखा होगा टायरों में। जाग रहे हैं सो रहे हैं? जाग रहे सर। हाँ जाग रहे हैं सर, थोड़े बहुत। इसमें से आपने एयर निकालनी होती है, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम ट्रेवल वगैरह होती है एयर ट्रेवल के दौरान इसके अंदर हवा गैस वगैरह जमा हो जाती है तो उसको हमने इसको रिमूव करना होता है। ये पोर्शन है अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं उससे आप जो है किसी इंटरनेट के साथ लगा के रिमोटली सेंड करना चाह रहे हैं या फिर आप वहीं पे ही आप इसको जो है जैसे PMD वगैरह में लगा होता है ना लाइव, वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर रिपोर्टिंग आ रही होती है कि यार यहाँ पे अर्थक्वेक अभी आ रहा है तो वो वेव फॉर्म कैसी आ रही है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो ये बेसिकली उसका CPU यूनिट होता है, ये उसका सेंसर होता है। तो फर्स्ट थिंग हम ये करते हैं कि नीचे एक गड़ा खोदते हैं, किधर गया, हाँ, इस गड़े के अंदर जो है एक आपने नीचे कंक्रीट की स्लैब होती है वो स्फेरिकल होगी, ठीक है, उसे आप एजी नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो आपके पास हम उसे टिक्की कहते थे, वो आपके पास ऑलमोस्ट 1 फुट का उसका डायमीटर होता है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई आपके पास 6-1 इंच की होती है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल हो, एजी नहीं होगी, एजी होगी तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस एजेस के ऊपर लगती है ना तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, वहाँ पर से डिस्पर्शन हो जाती है, ठीक। तो इसलिए वो वेव यहाँ पे आके डिस्पर्स हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जो बेस यूज करते हैं वो आप स्फेरिकल यूज करते हैं। थोड़ा सा बियर अप करें, ये बड़े मजे की चीज है। तो यहाँ पर से एक खड्डा आप बनाते हैं, उसमें सेंसर होता है, ठीक है। दूसरे खड्डे में आपके पास जो है दो हम प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज करते हैं, एक में आपके पास बैटरियां पड़ी होती हैं, दो हम बैटरियां यूज करते हैं, ठीक है। ये जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है लेकिन उसके एम्पेयर जो है आपके पास 100 एम्पेयर के होता है ना, ठीक। तो उसको हम आगे फर्दर कनेक्ट कर देते हैं सोलर पैनल के साथ, और सोलर पैनल के साथ ही GPS भी लगा होता है एंटेना,
ये जीपीएस एंटेना, ये सोलर पैनल, ताकि से ये बैटरीज है उनको रिचार्ज करता रहे, वो बैटरी डेड सिस्टम डेड, ठीक। तो इसको लेटर ऑन जो है हम इसको कवर अप कर देते हैं ताकि जो सरफेस नॉइस है वो इसमें ना आए। तो इसमें आपके पास होता क्या है कि जिस टाइम आपने वो टिक्की रखी, पहले आप खड्डा खोदते हैं, उसके नीचे आप जो है वो डाइल्यूटेड आप कंक्रीट डाल देते हैं ना, कंक्रीट सीमेंट डाल देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर देते हैं, उस जो सीमेंट की टिक्की होती है उसको, उसे लेवल अप करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसको सेंसर को आप नॉर्थ अलाइन करके रखते हैं, ये देखें ये टॉप के ऊपर इसका नॉर्थ लिखा हुआ है, इस नॉर्थ के अकॉर्डिंगली आपने कंपास के अकॉर्डिंगली इसे नॉर्थ रखना होता है, ठीक है। ये इसकी केबल का पोर्शन है, ये इसके लॉक्स हैं, ठीक है। पहले आपने करना क्या होता है, इसे नॉर्थ में रख के इसके बबल्स को यहाँ पर से आपने सेंटर करना होता है इस बबल को, ठीक है। इसके जो लेवल है उस लेवल को अप एंड डाउन करके, तीन इसके लगे होते हैं लेवल ये वाले, इनको आप रोटेट करके बबल को सेंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर केबल लगाते हैं, और उसके बाद ये पेज खोल के इसके अंदर एल की डाल के आप इसको रोटेट करके उस सेंसर को अनलॉक करते हैं, ठीक है। आप उससे पहले नहीं करेंगे क्योंकि हाईली सेंसिटिव होता है ये इक्विपमेंट, अगर इसे कोई झटका वगैरह ज्यादा लगा तो ये इसके जो सेंसर है वो टूट जाते हैं, ठीक। तो इसमें आपके पास तीन टाइप के सेंसर लगे होते हैं, एक आपके पास जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो वेव आ रही होती है उसको मॉनिटर कर रहा होता है, एक नॉर्थ साउथ में जो वेव आती है उसको मॉनिटर कर रहा होता है, और एक वर्टिकल जो आपके पास आ रही होती है ना वेव उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये देखें ये उसने एल की यूज करके इसको अनलॉक करता है, अनलॉक करने के बाद वो जो स्प्रिंग और केबल है ना मैग्नेट वो मूवेबल कंडीशन में होता है, ठीक। तो एक वेव अगर आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आ रही है तो सिंपली आपका नॉर्थ साउथ वाला जो है ना सेंसर वो एक्टिवेट होगा, अगर वेव आपके पास आ रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो सिंपली आपके पास ये वाला एक्टिवेट होगा, बाकी दोनों पे नहीं आएगा। अगर ये दरमियान में से आपके पास वेव आ रही है तो फिर ये दोनों एक्टिवेट होंगे, अगर इससे नहीं है सब सरफेस से आपके पास वर्टिकल वेव आ रही है तो सिंपली ये आपके पास जेड कंपोनेंट जो है ना ये जेड इसका जो सेंसर है वो सिंपली इस पे एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये उसकी बेसिक असेंबली है, ये फिर हमारी फील्ड की पिक्चर्स हैं, ये देखें एक में बैटरी है आपके पास, इसमें हम सिंगल बैटरी यूज करते हैं, जो मैग्नेटो टेलरिक होता है उसमें दो बैटरी यूज होते हैं, ये टब है इसमें एक में बैटरी है, दूसरे में आपके पास ये पोर्शन है सारा ये सीपीयू का, ठीक। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो रही है, फिर फाइनली जिस टाइम सारा सेटअप हो जाता है तो इसके ऊपर आप एक कार्डबोर्ड का वो गत्ता रखते हैं, और उसके साथ में जो है प्लास्टिक शीट हम ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक शीट पड़ी हुई है ताकि रेन वगैरह इसमें ना जाए। ये आपके पास सोलर प्लेट है और यहीं पे आपने ये जीपीएस यूज किया हुआ है, ठीक है। फिर इसे इसके गिर्द एंगल आर्म लगा के वायर नेट लगा देते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह इसमें ना एंटर हो,